सन 2010 की शुरुआत में अमेरिका के पिट्सबर्ग के ब्राउनविले रोड पर मौजूद 3406 नाम के एक घर के बाहर जो धरती के नीचे जो चीजें होती हैं उन चीजों को जो स्कैन करते हैं अपने रडार से, उनकी टीम पहुंची और वहां उस घर के बाहर एक ओक का पेड़ मौजूद था और उनको इस पेड़ के चारों तरफ ही स्कैन करना था। जी हाँ, उनको ये ऑर्डर दिए गए थे कि इस पेड़ के चारों तरफ कुछ भी अगर तुमको मिले तो तुरंत यहां सरकार को बताओ। उन्होंने तुरंत अपनी मशीन सेटअप करी और यहां आसपास स्कैनिंग स्टार्ट करी। स्कैनिंग करते करते उनको यहां पेड़ के नीचे तकरीबन 11 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा इस इलाके में उनको वहां कुछ चीजें लेटी हुई दिखाई दी। वो बिल्कुल यहाँ सीधे तौर पर लेटी हुई थी और उनकी संख्या कुल टोटल 4 थी। जी हाँ, उसे देखते ही वो लोग तुरंत समझ गए कि जमीन के तकरीबन 4 से 5 फीट अंदर कई इंसानों को बहुत बहुत सालों पहले मारकर दफनाया गया था। और जब इसकी जानकारी उन्होंने इस घर के मालिक को दी तो उनको कोई ज्यादा हैरानी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो इसे बहुत बहुत लंबे टाइम से झेलते आ रहे थे। जी हाँ, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे हॉरर हाउस की कहानी जिसे जानने के बाद आपको अपने घर पर ही विश्वास नहीं रहेगा। जी हाँ, सब कुछ बताऊंगा आपको इसके बारे में, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। इस घर का जो मालिक था उसने यहाँ अपना पूरा जोर लगाया पिछले 20 सालों में। उसने यहाँ देश के चर्चों का कोई भी फादर नहीं छोड़ा जिसको अपने घर में बुलाकर अपने घर को पवित्र ना करवाया हो। उसने अपने आस पड़ोस के बड़े बूढ़ों को नहीं छोड़ा जिनको इस चीज का ज्ञान था, उनको यहाँ अपने पास बुलाया हो। लेकिन 20 सालों तक, सोचने वाली बात है, 20 सालों तक यहाँ उसका घर और उसका परिवार जिस आतंक में जिया है वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। एक टाइम इस परिवार के साथ वो आ चुका था जब इनको ना सिर्फ अपने जान का डर सता रहा था बल्कि इनको लग रहा था कि हम मर जाएं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी आत्माएं यहीं भटकती रहेंगी, इस घर से बाहर जा ही नहीं पाएंगी। वो बॉब क्रैमनर नाम का ये आदमी जिसकी उम्र उस टाइम पर 32 साल की थी और ये हाल ही में अमेरिका की आर्मी से रिटायर हुआ था। इसके कुल टोटल 4 बच्चे थे और चारों ही 4 साल की उम्र से कम थे। इसकी पत्नी का नाम लीजा और ये 6 के 6 लोग वहां रहा करते थे जहां जब बॉब क्रैमनर की आर्मी में रहते हुए हो रही थी। अब आर्मी क्योंकि छूट चुकी थी तो इन्होंने वापस अपने होम टाउन पिट्सबर्ग आने का सोचा। तो ये बॉब क्रैमनर वापस वहीं आकर रहने लगे जहां पर इन्होंने अपना पूरा बचपन बिताया था। लेकिन यहां दिक्कत ये थी कि वो घर बहुत छोटा था और स्टार्टिंग से ही यहां बॉब क्रैमनर का एक सपना रहा था कि उसके पास खुद का एक बहुत बड़ा घर हो, आलीशान घर हो, जिसके अंदर वो आराम से रहे, अपने काम धंधे पर जाए और वापस आकर अपने उसी बंगले जैसे घर के अंदर रहने लगे। सभी का ये सपना होता है, आपका भी जरूर होगा। और तभी यहाँ उसे पता चला कि उसी के मोहल्ले में 3406 नंबर वाला घर बिकाऊ है। अब उसको यहाँ अपने ही मोहल्ले में एक बढ़िया आलीशान घर मिल रहा था तो वो तुरंत अपना तामझाम उठाकर 3406 के मालिकों के पास पहुंच गया और वहां जाकर कहने लगा कि हाँ जी ये घर मुझे चाहिए है, क्योंकि वो घर दिखने में ही नहीं बल्कि सच में बहुत शानदार था। जी हाँ, 14 कमरे इस घर में बने हुए थे, 3 अलग अलग लिविंग रूम थे, अलग अलग सभी के बाथरूम वगैरह थे, बहुत बहुत ही बढ़िया बना हुआ था घर। इसके बाहर गार्डन भी था, सब कुछ यहाँ परफेक्ट था। और जैसे ही यहाँ क्रैनमर ने मालिकों से बात करी कि ये घर आप मुझे दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत जरूरत है, मेरा स्टार्टिंग से सपना रहा है, अब वो जो मालिक थे वो ऐसे ही किसी आदमी की तलाश कर रहे थे कि जो जल्दी जल्दी में इस घर को ले ले, क्योंकि उन्हें खुद इस घर को बेचने की बहुत बहुत ज्यादा जल्दी थी। पहली ही विजिट में बॉब क्रैनमर उस घर की जाकर डील कराया और उनका बयाना जो था वो भी दे आया। अब वो इस घर को लगभग लगभग खरीद चुका था लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले टाइम में उसे अपने इस सपनों के घर के ऊपर एक किताब लिखनी पड़ेगी और बदकिस्मती से उस किताब का नाम होगा द डीमन ऑफ ब्राउन्सविले रोड। खैर, यहाँ फर्स्ट मीटिंग के बाद वो अपने परिवार के पास गया और वहां जाकर अपने परिवार को बताया कि मैंने ऐसे ऐसे वो घर खरीद लिया है जो हम काफी टाइम से देखते आ रहे थे। उसकी पत्नी भी बहुत खुश थी और वो सोच रही थी कि इतनी जल्दी तुम कैसे डील कराए। तो यहाँ क्रैनमर ने कहा कि हाँ, मैं जल्दी में इसलिए कराया क्योंकि वो खुद यहाँ जल्दी में ही थे इसे बेचने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं डील हाथ से नहीं जाने दूंगा और मैं उस घर की डील फाइनल कराया। तो यहाँ क्रैनमर अपनी पत्नी लीजा के साथ और चारों बच्चों को लेकर एक बार फिर से उसी घर में पहुंचा और जाकर उन मालिकों से बात करने लगा कि मेरे बच्चे जो हैं वो यहाँ इस घर को देखने आए हैं, इसके साथ जान पहचान करने आए हैं। तो यहाँ उन मालिकों ने कहा कि ठीक है, आप देख लीजिए, अंदर से कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ क्रैनमर और लीजा तो एक साथ ही उस मालिक के साथ खड़े हुए थे जबकि चारों बच्चे यहाँ इधर उधर घर में खेल रहे थे, कोई भी दूर नहीं गया सिर्फ एक को छोड़कर। दूसरे नंबर का जो लड़का था यहाँ क्रैनमर का, उसका नाम बॉबी था और वो बॉबी एक ही दम से यहाँ अपने माता पिता की नजरों से गायब हो गया। सिर्फ उसके रोने की आवाजें आ रही थी, किसी को भी नहीं पता था कि वो रोने की आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं, क्योंकि उस घर के अंदर आवाज़ ऐसे गूंजती थी कि अगर आप इस साइड देखोगे तो इस साइड से आपको लगेगा कि आवाज़ें आ रही हैं, इस साइड देखोगे तो आपको इस साइड से लगेगा कि आवाज़ें आ रही हैं। और यहाँ सिर्फ अनुभव काम कर सकता था और अनुभव था इस घर के पुराने मालिकों को।
उनको पता चल गया कि आवाजें आखिर आ कहां से रही हैं। वो तुरंत यहां भागकर नीचे बेसमेंट की सीढ़ियों के पास गए और जैसे ही वो वहां तक पहुंचे उन्होंने देखा कि सामने एक छोटा सा बच्चा सीढ़ियों से पहले ही उतरने से पहले ही वहां खड़ा हुआ है और उसकी आंखें बंद हैं और मुंह पूरा खुला हुआ है और वहीं उस मुंह से ही उसकी आवाजें आ रही हैं। ये कोई और नहीं बल्कि बॉबी ही था। तुरंत उन मालिकों ने जाकर बॉबी को उठा लिया और सीधा वापस उसके माता पिता के पास लेकर आ गए। माता पिता के पास लेकर आने के बाद उनको भी आखिर पता नहीं चला कि ये बॉबी एकदम से क्यों रोने लग गया, क्योंकि आज तक वो पुराने घर में रहते हुए कभी रोया ही नहीं था, हमेशा हंसा खेलता रहता था। अगर वो आज इस घर में आया है तो पहली बार रोया है। क्यों रोया, इस चीज का पता उनको बहुत आगे पता लगने वाला था। उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे, वो चुप ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ इस घर के मालिकों ने अपना घर बेचने के लिए इस परिवार को ये कह दिया कि हो सकता है ये बच्चे चारों नए यहाँ आए हों और ये इस घर को थोड़ा सा ओपरा ओपरा मान रहे हों, इनका मन ना लगा हो स्टार्टिंग में। कोई बात नहीं, जैसे जैसे रहेंगे आदत हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ ये बात क्रैनमर को सही लगी कि हाँ बच्चे हैं छोटे और उनको यहाँ अजीब सा फील हो रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर जल्दी ये पूरा क्रैनमर परिवार इस घर के अंदर शिफ्ट हो गया और मज़े से यहाँ रहने लगे। लेकिन यह मज़ा 4-5 दिनों में ही ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो बच्चे थे चारों, उनके अलग अलग रूम थे। अब 14 कमरे थे, स्कूल जैसा तो एक घर था पूरा, चारों बच्चों के अलग अलग रूम यहाँ और माता पिता का यहाँ अलग रूम था। इसके अलावा भी काफ़ी कमरे खाली पड़े हुए थे। खैर यहाँ अपने अपने कमरों में ही बच्चे रात के टाइम पर बहुत बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने लगे। रात को चारों बच्चों को ये माता पिता अपने अपने कमरे में सुला कर आते और सुबह होते होते जब ये उठते तो उनको पता लगता कि उनके चारों बच्चे ही उनके कमरे के बाहर यानी कि क्रैनमर वाले कमरे के बाहर ही बैठ कर सुबक रहे हैं, रो रहे हैं। और जब वो उनसे पूछते कि क्या हुआ है तो वो चारों कहते कि हमें हमारे रूम में अजीब सा लगता है, हमें वहाँ नींद नहीं आ पाती और इसलिए हम आधी रात को ही उठकर वहाँ से आपके कमरे के बाहर आ जाते हैं। हम रोते भी हैं, पता नहीं आपको आवाज़ें अंदर आती हैं या नहीं आती, लेकिन हम रो रो कर हमारा बुरा हाल हो जाता है पर आप दरवाज़ा नहीं खोलते। अब इस पलट में यहाँ क्रैनमर और उसकी पत्नी कहती है कि हमें तो तुम्हारी कोई आवाज़ ही नहीं आई, तुमने ये कैसे कह दिया कि तुम यहाँ आकर रात से रो रहे हो और हम तुम्हें यहाँ संभालने के लिए बाहर नहीं आए, हमें तो तुम्हारी कोई आवाज़ ही नहीं आई। जबकि ये चारों बच्चे पूरी रात बैठकर यहाँ अपने माता पिता के कमरे के बाहर रोते रहते थे। इन चारों में से वही दूसरे नंबर वाला बॉबी, उसके साथ कुछ ज्यादा ही अजीब हो रहा था। जी हाँ, उसके कमरे में जो अलमारी थी वो उस अलमारी को देखता रहता और उसे देखते देखते उसे नींद आ जाती। लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों उसके कमरे की लाइट हमेशा ऑन ही रहती थी, बजाय वो कितनी ही उसको ऑफ कर ले वो हमेशा ऑन ही रहती थी। अपने बच्चे के इस बिहेव से क्रैनमर और उसकी पत्नी लीजा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बॉबी का गद्दा अपने ही कमरे में लगा लें। तो उन्होंने वो गद्दा उठाया और अपने कमरे में लगा लिया। लेकिन 2-3 दिन बाद ही यहाँ बॉबी ने कहा कि नहीं, मुझे अपने कमरे में ही सोना है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके फिर पहुँचो। तो यहाँ बॉबी वापस अपना गद्दा उठाकर अपने कमरे में शिफ्ट हो गया। तकरीबन 1 साल बीत चुका था उनको यहाँ शिफ्ट हुए। अब इस 1 साल के अंदर बॉब क्रैनमर को भी लगने लगा था कि जरूर होना हो इस घर के अंदर कोई ना कोई शक्ति तो जरूर है, लेकिन वो हमेशा इस चीज़ को इग्नोर कर रहा था। वो हमेशा अपने परिवार को यही समझाता कि देखो हम आज तक बहुत छोटे से घर में रहते आए हैं, हमें नहीं पता कि बड़े बड़े घरों में लोग कैसे रहते हैं, वो कैसे खुद को कंफर्ट महसूस करवाते हैं, इसलिए हमें वो चीज़ सीखनी होगी। जस्ट ये हमारे मन का वहम है कि इस घर के अंदर कुछ अजीब सा है, जस्ट अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाओ और आराम से इतने बड़े घर का मजा लो। लेकिन इस चीज़ की दिक्कत क्रैनमर ने अपनी माँ के साथ डिस्कस करी और समझाया कि ऐसे ऐसे हमें यहाँ अजीब सा होता है। तो यहां उसकी मां ने सलाह दी क्रैनमर को कि तुम एक काम करो, अपने बढ़िया से बढ़िया फादर को यहाँ, किसी चर्च के फादर को यहाँ बुलाओ और अपने घर को पवित्र करवा लो, वो यहाँ हवन पूजन करके जाएगा और तुम्हारे घर पवित्र हो जाएगा। क्रैनमर को ये बात अच्छी लगी, वो सीधा यहाँ अपने पास ही के चर्च में गया और वहां फादर विक्टर को अपने घर आने का न्योता दिया और कहा कि हमने ऐसे ऐसे नया घर लिया है और हमें वहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है, आप प्लीज़ यहाँ आ जाइए और हमारा घर पवित्र कर दीजिए। फादर क्रैनमर घर में आए, उन्होंने घर के अंदर घुसते ही यहाँ क्रैनमर को कह दिया कि हो ना हो ये घर नॉर्मल नहीं है, इस घर के अंदर कुछ है जो तुम अभी देख नहीं पा रहे हो और आने वाले टाइम के अंदर तुम्हें वो चीज़ बहुत भारी पड़ने वाली है। ये चीज़ सुनते ही क्रैनमर बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने कहा फादर विक्टर को कि आप प्लीज़ हमारे घर को वो पवित्र कर दीजिए जिससे आप करते हैं। तो यहाँ फादर विक्टर ने अपना काम स्टार्ट किया। वो पहले तो यहाँ सभी लिविंग रूम में गया और वहाँ जाकर वो जो छिड़कते हैं वो सब कुछ छिड़क के आया और फिर बाद में वो एक एक रूम के अंदर जाने लगा, सभी के कमरों में गया, सभी ने करवा लिया, लेकिन एक्सेप्ट बॉबी।
बॉबी उस टाइम पर अपने कमरे में ही था, और जैसे ही वो फादर बॉबी के कमरे के अंदर जाने के लिए वो गेट खोला उसने, और बॉबी तुरंत वहाँ से उठकर आया और सभी को बाहर जाने के लिए कहने लगा। उसके माता पिता ने समझाया कि ये फादर विक्टर हैं और हमारे घर को शुद्ध करने आए हैं, लेकिन यहाँ बॉबी नहीं माना, उसने अपने कमरे में किसी को नहीं आने दिया। तो यहाँ फादर विक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चा है थोड़ा डरा हुआ है, मुझे देखकर हो सकता है डरा हुआ हो, लेकिन यहाँ उसके माता पिता ने समझाया कि नहीं, आपसे नहीं, ये तो उसी शक्ति से डरा हुआ है जो यहाँ इसे परेशान करती है। तो फादर विक्टर ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इसका कमरा बाहर से ही शुद्ध कर देता हूँ। तो यहाँ उन्होंने बाहर खड़े खड़े ही अंदर कुछ वो फेंका और जस्ट वहाँ से निकल गए, लेकिन ये शुद्धिकरण सही नहीं था, बल्कि इसके परिणाम उल्टे ही इस परिवार के ऊपर पड़ने वाले थे। क्यों? क्योंकि यहाँ इस घर के अंदर जो एक डेमोनिक शक्ति थी वो अभी तक तो किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचा रही थी, लेकिन अब वो अपना रूप बदलने वाली थी। अब यहाँ इस परिवार को लग रहा था कि इनको एक अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने नया घर ले लिया है, इस घर को शुद्ध करवा लिया है, अपनी नौकरी जो है वो अब यहाँ कोई और करने वाला था क्रैनमर, सब कुछ यहाँ नया है तो एक नई स्टार्ट करनी चाहिए। वो सीधा अपने घर से बाहर निकला। स्टार्ट करने के लिए उसने यहाँ पेड़ पौधे लगाने स्टार्ट किए। घर के बाहर उसने एक ओक का पेड़ लगाने के लिए जमीन खोदनी स्टार्ट करी, लेकिन जैसे ही उसने जमीन खोदी, तकरीबन 3 फुट नीचे यहाँ उसे एक लोहे का डब्बा मिला, और जैसे वो डब्बा यहाँ मिला, उसने इस डब्बे को बाहर निकाला, लेकिन वो खुल नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस घर के मालिक से ही हम फ़ोन करके पूछें कि डब्बा आखिर है क्या चीज़, और यहाँ घर के बाहर क्यों दबा हुआ है, और इसके अंदर क्या है। तो यहाँ उसने फ़ोन किया तुरंत उस लेडी को जिसने ये घर बेचा था क्रैनमर को, और उस लेडी ने तुरंत यहाँ कहा कि जहाँ से तुमने ये डब्बा निकाला है इसे तुरंत वहीं रख दो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों रख दो, इस डब्बे के अंदर क्या है, उस महिला ने बताया ही नहीं, जस्ट कहा कि इस डब्बे को तुरंत वहीं रख दो जहाँ से तुमने निकाला है, और वापस मिट्टी दाब दो। क्रैनमर ने वही किया, डब्बे को वहीं रखा, मिट्टी ऊपर से वापस डाल दी, और उसके बराबर में ही थोड़ी और मिट्टी खोदी। मिट्टी खोदने के बाद वहाँ एक ओक का पेड़ लगाया और वापस मिट्टी ढक दी। अब वो ओक का पेड़ धीरे धीरे बड़ा होने वाला था, और इस पेड़ को लगाने के बाद से ही यहाँ इस घर के अंदर घटनाएं स्टार्ट हुई। जी हाँ, इनका जो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए जो इन्होंने सीढ़ियां बना रखी थी इस घर के अंदर, उन सीढ़ियों के नीचे एक बहुत बड़ी अलमारी सी रखी हुई थी पुराने जमाने की, और वो अलमारी आपको पता ही है पुराने जमाने में बहुत भारी भारी होती थी, लकड़ी की बनी होती थी, अंदर उनका अच्छा वुडवर्क किया जाता था, और ऐसी एक अलमारी इस सीढ़ियों के नीचे रखी हुई थी, और वो अलमारी अब डेली सुबह जब वो उठते और यहाँ लिविंग रूम में आते और देखते उस अलमारी को, तो वो अलमारी अपने आप टेढ़ी हो जाती थी, मतलब कि उसका जो फ्रंट हिस्सा था वो पीछे की तरफ चला जाता था और उसकी जो बैक थी वो आगे की तरफ आ जाती थी, घूम जाती थी अपने आप। अब ये काम क्रैनमर सबसे पूछता कि किसने किया है, 4 बच्चों का तो सवाल ही नहीं है, वो तो बेचारे छोटे छोटे हैं, और इतनी बड़ी अलमारी को वो हिला भी दें मतलब ही नहीं है। दूसरा लीजा से पूछता कि क्या तुमने किया है, वो भी कहती कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो रात को तुम्हारे साथ थी। क्रैनमर यहाँ परेशान हो गया। वो परेशान इसलिए भी था क्योंकि ये अलमारी ना सिर्फ भारी भरकम थी, बल्कि ये पीछे दीवार में स्क्रूज के साथ घुसी हुई थी, मतलब कि इसको कसा गया था नट बोल्ट्स के साथ, लेकिन फिर भी कोई था जो इस नट बोल्ट को भी खोलकर डेली इस अलमारी को घुमा देता था। अब सुबह उठते ही उनका तो गुड मॉर्निंग जैसा एक काम बन चुका था, नीचे आना लिविंग रूम में और इस अलमारी को वापस सीधा करना। इसके अलावा लीजा ने नोटिस किया कि उनके घर की जो बेसमेंट है उसकी लाइट्स हमेशा ऑन रहती हैं, वो चाहे कितना ही इनको ऑफ कर ले, एक बार तो वो उसके लिए ऑफ हो जाती हैं, लेकिन वो जैसे ही बेसमेंट से बाहर निकलती है वो लगातार ऑन ही रहती है। इसके अलावा उसने नोटिस किया कि उसके घर की बेसमेंट में ही एक कुर्सी रखी हुई है, और जैसे ही वो उस कुर्सी को कोने में रख के जाती है, और जब वो वापस उस बेसमेंट में आकर देखती है, तो वो कुर्सी बेसमेंट के बिल्कुल बीच में रखी होती है। ये सब क्या था, कौन यहाँ लाइट्स ऑन कर रहा था, और कौन इस कुर्सी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, ये आगे पता लगने वाला है। सन 1991 का समय आ गया, और ये वो टाइम था जब यहाँ क्रैनमर ने अपने लोकल पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया था, और वो इस पॉलिटिक्स के लिए ही घर से ज़्यादा टाइम बाहर रहता था। अब बाहर रहने की वजह से घर में लीजा और 4 बच्चे अकेले ही थे। 4 बच्चे भी कई बार घर से बाहर चले जाते थे, और लीजा भी यहाँ कई बार अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने फिरने चली जाती थी, और घर बंद। और जैसे ही यहाँ आकर देखते परिवार घर का गेट दरवाज़ा खोलता मेन, तो वहाँ उनको इस घर के मेन लिविंग हॉल में ही एक अजीब सा धुआं दिखता, और वो धुआं एकदम से छट भी जाता था। जैसे वो गेट खोलते 1-2 सेकंड के लिए वो धुआं दिखा और एकदम से गायब हो गया। उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया, लेकिन रात को जब क्रैनमर आता
तो क्रैनमर के आगे चारों बच्चे बैठकर रोते कि उनके जो कमरे ऊपर हैं और उसका जो हॉलवे है बाहर का बरामदा है उसके अंदर उनको एक परछाई दिखती है और वो परछाई उनकी नहीं होती क्योंकि लाइट सामने चल रही है, उनकी परछाई पीछे बननी चाहिए जबकि लाइट के बिल्कुल नीचे एक परछाई है जो उन्हें दिखती है और वो इधर उधर डोलती है। ये चीज़ सुनते ही क्रैनमर भी परेशान कि मैं पॉलिटिक्स करूँ या इस भूत को भगाऊँ, उसे समझ नहीं आ रहा था। अब इस इंसिडेंट के बाद से ही यहाँ क्रैनमर बहुत लेट लेट तक घर आने लगा। उसे लगा कि घर जाऊंगा लड़ाइयाँ होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ घर के जो मेंबर्स थे उनका टेम्पर जो था, उनका जो दिमाग था वो अब स्टेबल नहीं रह रहा था। पता नहीं क्यों वो बहुत छोटी छोटी बातों पर ही लड़ बैठते थे एक दूसरे के साथ और लड़ाइयाँ ऐसी हो जाती थी कि सभी को अलग अलग सोना पड़ता था। 6 के 6 लोगों का ही यहाँ दिमाग खराब हो चुका था इस घर में रहते हुए। और फिर एक दिन वो आया जब यहाँ लीसा बॉबी के कमरे में गई। असल में यहाँ बॉबी के कमरे को वो लोग द ब्लू रूम के नाम से जानते थे। इस ब्लू रूम का मतलब क्या था इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, जैसे ही लीसा बॉबी के कमरे में गई उसको वहां बहुत अजीब सा महसूस हुआ। वो अंदर जाते ही यहाँ नीचे गिर गई जबकि बॉबी साइड में ही बेड पर लेटा हुआ था। नीचे गिरते ही यहाँ बॉबी ने शोर मचाना स्टार्ट किया और बाद में यहाँ लीसा को उठाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया। हॉस्पिटल में उसे 2 हफ्ते गुजारने पड़े और जब उसे पूछा गया कि आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ, तुम ऐसे गिर कैसे गई वहां एकदम से, तो यहाँ लीसा को कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है और उसको तो ये भी नहीं पता कि वो 2 हफ्ते हॉस्पिटल में बिताकर आई है। अब यहाँ पूरे परिवार को समझ आ चुका था कि इस घर में जो ये चीजें हो रही हैं, ये जो अजीब अजीब घटनाएं उनके साथ उनकी जिंदगी में घट रही हैं, इन सब के पीछे एक ही कारण है और वो है बॉबी का ब्लू रूम। अब इस ब्लू रूम की ही कहानी को उन्हें पता लगाना था कि आखिर इस कमरे के पीछे कहानी क्या है। इस घर में शिफ्ट हुए इन लोगों को तकरीबन 7 साल हो चुके थे और यहाँ बॉबी की भी अब उम्र थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। वो इस घर में अपने इस कमरे में पिछले 7 सालों से रह रहा था। उसकी मेंटल जो हेल्थ थी वो बहुत बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी। उसे समझ नहीं आता कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ कर क्या रहा है। ना उसका स्कूल में मन लगता, ना ही वो अपने परिवार के साथ अच्छे से रह पा रहा था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब यहाँ बॉबी घर में अपने कमरे में मौजूद था। वो ना सिर्फ कमरे में अकेला था बल्कि पूरे घर में ही अकेला था। इसका पिता क्रैनमर अपने पॉलिटिक्स के काम की वजह से गया हुआ था, बाकी के तीनों भाई बहन अपने स्कूल गए हुए थे और यहाँ माँ लीसा मार्केट में सामान लेने गई हुई थी, वो भी घर पर अकेला। और तब यहाँ उसने नोटिस किया कि इसके कमरे का दरवाजा अपने आप खुला है और यहाँ बाहर हॉलवे से ही नीले रंग की लाइटें अंदर आने लगी हैं। ये लाइटें अंदर कैसे आ सकती थी, तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि उसने बताया ऐसा लग रहा था जैसे नीले रंग के जुगनू, काफ़ी सारे जुगनू आपस में लाइन बनाकर अंदर की तरफ आ रहे हैं और जैसे ही वो अंदर की तरफ आए उन्होंने एक बच्चे की शेप को धारण कर लिया। वो बच्चा उसे उसकी उम्र का ही लग रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो खुद को ही यहाँ अंदर देख रहा हो उन लाइटों में। अब एक एंटिटी उसके सामने बनकर यहाँ तैयार थी और दूसरी भी यहाँ धीरे धीरे अंदर आई और अब की बार लाइट्स नहीं सिर्फ और सिर्फ स्मोक आया। और जैसे ही वो स्मोक अंदर आया उसने भी यहाँ पहुंचकर एक एंटिटी का ही रूप धारण कर लिया। और जैसे ये एंटिटी यहाँ पर बनी, ये दोनों चीजें अब यहाँ बेचारे 10-11 साल के बच्चे बॉबी के सामने खड़ी थी। अब ये चीज़ देखते ही वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। उसने चिल्लियाँ मारनी स्टार्ट कर दी और जैसे ही उस चिल्लियाँ मारते मारते कमरे से बाहर गया, घर से बाहर बैठ गया, जाके अपनी माँ का वेट करने लगा। उसकी माँ आई यहाँ पर और माँ को बताया उसने कि ऐसे ऐसे उसके कमरे में ये सब हुआ है। उसकी माँ उसके साथ कमरे में गई लेकिन उस टाइम पर कमरे में कोई मौजूद नहीं था। यहाँ उसकी माँ और सभी पूरे परिवार को लगा कि हो सकता है बॉबी को कोई बुरा सपना आया हो। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसी लाइटें उड़ के थोड़ी ना यहाँ पहुँचेंगी और एकदम से किसी बच्चे का रूप धारण कर लेंगी। किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और ये इस परिवार की बहुत बड़ी गलती थी। क्यों? क्योंकि ये जो एंटिटीज थी अब यही इस पूरे परिवार को नुकसान पहुँचाने वाली थी। जब भी ये डेली सुबह उठते तो इनको अपने शरीर पर बहुत सारे चोटों के निशान दिखते। जी हाँ, इतने चोटों के निशान कि कभी कभी तो इनको अपने वो निशान हाथ पैरों से छुपाने के लिए फुल बाजू की शर्ट्स टी शर्ट्स यहाँ गर्मियों में डालनी पड़ रही थी। दूसरा, यहाँ उनको कमर और पेट पर गड्ढे बने हुए दिखते और ऐसा लग रहा था जैसे गड्ढे बहुत पुराने हो, जबकि उन्होंने अपने वो शरीर पर वो गड्ढे पहले कभी नहीं देखे थे। जैसे ही यहाँ क्रैनमर को अपने परिवार के साथ ये सब होते हुए दिखा वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने यहाँ इस घर के पीछे का कारण जानना चाहा
कि आखिर ये घर पहले था क्या और क्यों ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं। डॉक्टर के पास हम जाते हैं, हम हमारी चोट दिखाते हैं, वो हमें पागल समझने लगते हैं, हमारे मुंह पर हंसते हैं कि क्या तुम भी ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो कि हमको ये भूत ने काटा है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कुत्ते के काटने के निशान है और बहुत टाइम पहले काटा हो और तुम अभी हमारे पास आए हो। क्रैनमर परिवार डॉक्टर्स के आगे रो रहा था कि नहीं, ये कुत्ते के काटने के निशान नहीं है, ये कल तक नहीं थे, आज आ गए हैं और आप कह रहे हो कि ये किसी कुत्ते के काटने के निशान है, जबकि हमारे घर में तो कोई कुत्ता है ही नहीं। जिसके बाद यहाँ क्रैनमर ने सोचा कि वो बस अब बहुत हो गया, इस घर की असल सच्चाई का पता लगाएगा कि ये घर असल में था क्या और यहाँ क्या दिक्कतें असल में आ रही हैं। सन 2004 का टाइम आ गया जब यहाँ इस परिवार को इन चीज़ों की आदत ही हो चुकी थी। लगभग पिछले इतने लंबे टाइम से वो एक दशक से भी ज़्यादा इन चीज़ों से परेशान थे और अब वो लगभग इसकी आदतीन हो चुके थे। रोज़ यहाँ उनको घर के कहीं से स्मोक आता हुआ दिखता, स्मेल आ रही थी उनको अजीब अजीब, ऐसा लग रहा था घर के अंदर बैठकर कोई बहुत सारी माचिसें जला रहा हो, जबकि वो घर में माचिस का इस्तेमाल तक नहीं करते थे। वही अजीब अजीब चीज़ें दिखती, सारे बच्चों को यहाँ डोरवेज पर, हॉलवेज पर, उनके कमरों में एंटिटीज दिख रही थी और उनको वो बहुत ज़्यादा डरा भी रही थी। लेकिन एक बात ये भी थी कि वो अब इसके आदतीन हो चुके थे। लेकिन यहाँ क्रैनमर ने सोचा कि नहीं, वो ऐसे नहीं जाने देगा, वो इस चीज़ का असल पता लगाएगा। उसने यहाँ अपने स्टेट के सबसे बड़े बड़े चर्चिज के दो सबसे बड़े फादर्स को बुलाया। अब ये एक एक करके दोनों तो आने वाले थे, लेकिन इन दोनों को ही एक्सपीरियंस नहीं था कि एक्सॉर्सिज्म कैसे करते हैं। वो पहली बार यहाँ एक घर का एक्सॉर्सिज्म करने वाले थे। खैर, यहाँ पहला प्रीस्ट आया और घर के अंदर गया, उसने घर के अंदर घुसते ही कह दिया कि ये घर बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर से ग्रस्त हो चुका है और इसके अंदर एक नहीं बल्कि काफ़ी सारी पावर्स रह रही हैं। खैर, यहाँ उसने पूरा जोर लगा लिया अपना, जो जो मंत्र पाठ पूजा वगैरह करते हैं एक्सॉर्सिज्म में वो सब करी यहाँ उस प्रीस्ट ने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरा प्रीस्ट बुलाया गया, दूसरा प्रीस्ट भी यहाँ कुछ नहीं कर पाया और ये घर अभी भी वैसा का वैसा ही था। लेकिन हाँ, एक बात थी, जैसे जैसे ये दोनों अपने अपने मंत्र वगैरह पाठ पूजा वगैरह करते थे, तब यहाँ इस घर का सामान हवा में उड़ने लगता था, ये बात तो पक्का थी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ वो खुद देख रहा था ये परिवार, कि कैसे ये जैसे जैसे मंत्र पढ़ रहे हैं वैसे वैसे घर का सामान हिल रहा है, उनका कंप्यूटर अपने आप चल रहा है, लाइटें अपने आप चल रही हैं, बल्ब अपने आप फूटे जा रहे हैं और यहाँ तक कि कई सारी सीडी डीवीडीज तो उड़ उड़ कर यहाँ दीवारों में लग रही हैं और दीवारों से टकराते ही वो चूरा चूरा होकर टूट जा रही हैं। अब ये दोनों प्रेस्ट इस घर से जा चुके थे और दोनों ही कहकर गए थे कि हमने इस घर को शुद्ध कर दिया है, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा था। यहाँ इस बॉब क्रैमनर की परिवार ने ही सोचा कि वो इस घर का पहले अच्छे से पता लगाते हैं कि इस घर के अंदर आखिर है क्या क्या। उन्होंने हर एक कमरे को अच्छे से खंगालना स्टार्ट किया, एक एक चीज़ वहाँ से बाहर निकाली, दीवारों तक को ठोक बचा कर देखा, कुछ नहीं मिला उनको कमरों के अंदर। वो वापस उनके मेन लिविंग हॉल में आ गए और लिविंग हॉल में आते ही उनको वो अलमारी दिखी जो डेली अपने आप घूम जाती है, और उस अलमारी को उन्होंने हटाया और हटाने के बाद पहली बार उन्होंने जब उसको बजा कर देखा उसके पीछे की दीवार को, तो वो अंदर से खोखली थी। ये चीज़ देखते ही वो भी हैरान कि आखिर यहाँ क्या हो सकता है। उन्होंने तुरंत उस दीवार को तोड़ा, अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। अब आप पहले ये चीज़ नोटिस कर लीजिए कि वो जो खोखली दीवार थी उसके चारों तरफ से दीवारें ही बनी हुई थी, बेशक बीच में वो जगह थी एल शेप की जगह वो बनी हुई थी, लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो फिर यहाँ उस खोखली दीवार के अंदर बॉबी के खिलौने, लेगो टॉयज वगैरह कैसे पहुँचे उस खोखली जगह पर, ये आज तक पता नहीं चल पाया कि बॉबी के वो खिलौने कैसे उस जगह पर पहुँचे, क्योंकि अंदर जाने के सारे रास्ते तो बंद थे। खैर, जैसे ही उन्होंने उस जगह को तोड़ा और अंदर से उनको काफ़ी सारी चीज़ें मिली। यहाँ कुछ फोटोज़ थी जिन्हें देखकर बॉब क्रैमनर के परिवार के होश उड़ गए। जैसे ही उन्होंने इस फोटोज़ को देखना स्टार्ट किया, इस घर की वो पुरानी फोटोज थी, चारों तरफ की थी, इस घर के पीछे बैकयार्ड की भी थी, लेकिन पता नहीं क्यों इस घर को पहले एक हॉस्पिटल में तब्दील किया जा चुका था। अब ये हॉस्पिटल था या घर था, इनको अब आगे पता लगने वाला था। खैर, जैसे इस परिवार ने इस जगह की खोज करी थी अपने घर के अंदर, एक सीक्रेट जगह की, इसके बाद से ही यहाँ घर की दीवारों से ही खून बहने लगा। वो खून असली नहीं था, सिर्फ लाल रंग का लिक्विड था, लेकिन वो दीवारों के अंदर से कैसे आ रहा था। इतना ही नहीं, घर की कुछ दीवारें तो 20 फुट ऊँची थी। अब 20 फुट ऊँचा ना ही तो क्रैनमर चढ़ा, ना ही उसके कोई बच्चे चढ़े, और लीजा का तो सवाल ही नहीं है। तो यहाँ कौन चढ़कर 20 फुट ऊंचे उन छींटों को फेंक कर आएगा। और ये खून जैसी चीज़ अब डेली की हो चुकी थी, वो चीज़ डेली यहाँ इस परिवार को मिल रही थी, और ये चीज़ देखकर ये परिवार बहुत बहुत ज़्यादा परेशान था। यहाँ एक बार फिर से
बॉब क्रैमनर ने एक फादर को कांटेक्ट किया और उनका नाम था फादर रॉन। अब उनसे यहाँ क्रैमनर ने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज हमारे घर को आकर देखिए एक बार कि यहाँ कुछ जरूर अजीब है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि देखो मैं एक काम करता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक औरत से मिलवा सकता हूँ, मिलवा तो नहीं सकता बस उससे तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, वो फोन पर ही यहाँ तुम्हें सलाह दे देगी कि तुम्हें क्या करना है। उस औरत का नाम वेंटी था। वो वेंटी कोई और नहीं बल्कि इस ब्राउन विले की ही बहुत पुरानी जानकार थी। उनकी अच्छी खासी उम्र हो चुकी थी और वही थी जो एकमात्र इस घर के इतिहास के बारे में जानती थी। और उन्होंने ही यहाँ फोन पर क्रैनमर को कुछ आदेश देने स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि तुम हर एक कमरे में जाओ और अपने हाथों में नमक ले लेकर थोड़ा थोड़ा नमक यहाँ हर एक कमरे में डाल के आओ, और याद रखना कि तुमने कमरे में किस जगह पर नमक डाला है, क्योंकि थोड़ी देर में जाकर तुम्हें वो चेक भी करना है। और ये नमक रखते टाइम तुम्हें चिल्लाना है कि तुम जहां से भी आए हो वहीं चले जाओ, हमारे घर को छोड़ दो, हमारी फैमिली को छोड़ दो, ये चीजें तुम्हें चिल्लानी है। अब क्रैनमर ने वैसा ही किया, उसने सारे कमरे में रखा नमक और वापस जाकर बाद में देखा कि वो नमक वहां से गायब हो चुका था। उसने ये बात वेंटी को बताई कि ऐसे ऐसे नमक गायब हो चुका है। वेंटी ने कहा मुझे पता ही था, अगर नमक गायब हुआ है तो जरूर यहाँ वो डेमोनिक पावर जो है वो उस नमक को ले गई है, और यहाँ ये नमक मैंने इसलिए रखवाया था क्योंकि अगर वो नमक उठाती है तो ऑब्वियसली वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ बच्चों के ऊपर हमला करने के लिए आई है, वो मेनली यहाँ टारगेट बनाएगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों को। अब ये बात सुनते ही क्रैनमर को और ज्यादा टेंशन होने लगी अपने ही फैमिली की। उसने यहाँ पूछा उस लेडी वेंटी से कि असल में यहाँ ये घर ऐसा क्यों है। इसके बाद जो यहाँ वेंटी ने कहानी बताई, यकीन मानिए बहुत बहुत दिल दहला देने वाली थी। जी हाँ, उसने कहा कि बात 1920 के दशक की है। ये घर तब नया नया बना था और इसके आसपास ज्यादा घर भी मौजूद नहीं थे, लेकिन जितने भी थे उनमें से एक में एक डॉक्टर रहा करता था, और वो डॉक्टर यहाँ उस टाइम पर अपना एक इलीगल क्लिनिक चलाया करता था। वैसे वो एक हॉस्पिटल में जॉब करता था, लेकिन वहां से नौकरी करने के आने के बाद फ्री टाइम में यहाँ अपने घर में ही वो क्लिनिक चला रहा था, और यहाँ उसके उस क्लिनिक में सारे वो काम होते थे जिन्हें हम गैर कानूनी कह सकते हैं। जी हाँ, वो मेनली यहाँ पर अबॉर्शंस कर रहा था। उसके उस घर में भी बहुत सारी मौतें हुई थी, और जैसे ही ये मौतों का आंकड़ा बढ़ा लोगों ने यहाँ उसका वो क्लिनिक बंद करवा दिया प्रशासन को बोलकर, लेकिन उसको कोई सजा नहीं हुई। अब उसको वो घर तो छोड़ना पड़ा, उसको कोई और घर चाहिए था जहाँ पर वो अपना ये धंधा चला सके। वो सीधा यहाँ 3406 में आया और उसके मालिकों से बात करने लगा कि मुझे ये घर किराए पर चाहिए। उसके मालिकों ने कहा कि ऊपरी फ्लोर ले लो तुम, और ऊपरी फ्लोर में तुम्हें जो करना हो कर लो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। अच्छा खासा वो किराया यहाँ उस मालिकों को उस टाइम पे जो मालिक थे इस 3406 के उनको दे रहा था, लेकिन ऊपर जो वो चल रहा था वो बहुत अजीब था। और ये जो बॉबी वाला कमरा है जहाँ वे बॉबी रहा करता था हमारा क्रैनमर का लड़का, ये कमरा कोई और नहीं बल्कि उस डॉक्टर का ऑपरेशन रूम था, जिसे हम द ब्लू रूम के नाम से भी जानते हैं। अब ये ब्लू रूम वही रूम था जिसके अंदर उस डॉक्टर के हाथों से बहुत सारे अबॉर्शंस किए गए थे, और इन अबॉर्शंस के दौरान बहुत सारे बच्चों की मौतें भी हुई, बहुत सारी माताओं को भी अपनी जान देनी पड़ी। असल आंकड़ों में यहाँ क्या कुछ मौतों की संख्या थी वो अभी तक पता नहीं चल पाई, लेकिन ये कहानी जैसे ही वेंटी ने क्रैनमर को बताई, क्रैनमर के होश उड़ गए। वेलेंटी ने यहाँ ये भी बताया कि जहाँ तुमने वो ओक का पेड़ लगा रखा है, मैंने कई बार देखा है तुमने वो ओक का पेड़ लगाया, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है वो पेड़, उस पेड़ के बराबर में ही यहाँ पर एक महिला और उसके तीन बच्चों को इस हॉस्पिटल के अंदर मारा गया था, और मारने के बाद बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ तुमने वो पेड़ लगा रखा है उसके बराबर में ही गड्ढा खोदकर उसके अंदर दफनाया गया था। ये बातें तब की हैं, आज ये बातें किसी को नहीं पता, और मैं ये बातें तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि तुम उस घर के मालिक हो, तुम्हें सब पता होना चाहिए, तुम्हारी फैमिली उसके अंदर रहती है। इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ क्रैनमर ने इस घर के पुराने मालिकों को, जिससे यहाँ उसने घर लिया था, उनको फ़ोन किया, और जैसे ये बताया कि ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है और हमें तुमसे मिलना है, यहाँ उस कपल ने तुरंत फ़ोन काट दिया और गालियाँ दी यहाँ क्रैनमर को कि आज के बाद कभी फ़ोन मत करना। क्रैनमर ने किसी तरह ये भी पता लगा लिया कि सन 1941 में ये घर उस कपल ने खरीदा था जिससे उसने यहाँ ये घर खरीदा है, मतलब कि सन 1941 में यहाँ वो उस घर के मालिक बने थे। उससे पहले घर जिसके पास था वो तो मर चुका था, लेकिन उसकी बेटी यहाँ अभी भी जिंदा थी, और उस बेटी का भी पता लगा लिया क्रैनमर ने, और वो सीधा उसके पास गया, मिला और पूछने लगा कि ऐसा ऐसा कुछ हम इस घर में रह रहे हैं और हमारे साथ ये सब हो रहा है। तो यहाँ उस महिला ने भी कहा कि बिल्कुल जब मैं यहाँ रहा करती थी इस घर में हमारे साथ भी यही सब होता था, और इसी से परेशान होकर तो हमने घर बेचा था, और ज़रूर उन लोगों ने भी परेशान होकर इस घर को तुम्हें बेचा होगा क्योंकि आज तक हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। सन 2006 का अंत आते आते यहाँ क्रैनमर ने
कोर्ट में केस डाल दिया, किसी मालिक के ऊपर नहीं बल्कि यहाँ वो अपने घर को खोना नहीं चाहता था, इसीलिए यहाँ कोर्ट में उसने केस डाला कि स्टेट के देश के सबसे बड़े यहाँ जो फादर हैं, जो घरों को अच्छे से शुद्ध कर सकते हैं, उन्हें यहाँ हमारे घर पर भेजा जाए और मेरे घर को ठीक किया जाए। 2007 की जनवरी में उनकी ये जो अर्जी थी वो पूरी हो गई और यहाँ एक ग्रुप को जो कि फेमस वहाँ के एग्जॉर्सिस्ट थे उनको यहाँ तैयार किया गया और उस ग्रुप के लीडर थे एडम ब्लाई। एडम ब्लाई अपने ग्रुप को लेकर इस घर में पहुंचे और पहुंचते ही जैसे उन्होंने अपना मशीनें वगैरह सेट करी और काम करना स्टार्ट किया, वो समझ गए कि यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। पहली बार में ही यहाँ एडम ब्लाई जैसे अपना काम कर रहे थे, कोई चीज़ थी जो यहाँ उनके माथे के ऊपर स्क्रैच करके गई और उनके माथे से ही यहाँ खून बहने लगा। ये चीज़ देखकर क्रैनमर का परिवार तो डर गया था, लेकिन एडम ब्लाई और उनकी टीम नहीं डरी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये चीज़ें इस तरह से हमला करती हैं। एडम ब्लाई ने उस टाइम पर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने सब कुछ बताया कि उस घर के अंदर क्या क्या हुआ था। पहली बार जब वो एग्जॉर्सिज्म कर रहे थे, वहाँ की पावर्स इतनी तगड़ी थी, इतनी शक्तिशाली थी कि वो वहां से जाने को तैयार ही नहीं थी, इसलिए उन्हें दूसरा एक्सोर्सिज्म यहां पर प्लान करना पड़ा। 24 फरवरी 2007 के दिन फाइनली यहां पर अंतिम बार एक्सोर्सिज्म इस घर पर किया गया और इस एक्सोर्सिज्म को करते हुए हर एक कमरे को यहां शुद्ध किया गया और उस डेमोनिक पावर को एक एक कमरे से निकाल कर यहां बेसमेंट में लाया गया। क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो डेमोनिक पावर वहाँ खड़े पूरे ग्रुप को और इस बॉब क्रैमनर के परिवार को साफ तौर पर यहाँ बेसमेंट में दिख रही थी? और जैसे ही अंतिम बार बस इस बेसमेंट को शुद्ध करना था, उनके सामने वो पावर जो थी वो स्मोक सा था, मैं आपको समझा भी नहीं सकता कैसे, वो परछाई और स्मोक का एक अजीब कॉम्बिनेशन था जो कि कहीं पीछे से एकदम से यहाँ उनके सामने आकर खड़ा हो गया था। और देखते ही देखते यहाँ उनके सामने वो स्मोक और परछाई का कॉम्बिनेशन धीरे 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 नीचे ज़मीन में जाता गया और पिघल गया। ऐसा लग रहा था जैसे वो पिघल कर वहीं ख़त्म हो गया हो। ये चीज़ लिटरली एडम ब्लाई, उसके ग्रुप और यहाँ बॉब क्रैमनर की पूरी फैमिली ने अपनी आंखों से देखी है। ये चीज़ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर के यहाँ आर्टिकल्स में लिखी हुई है। अपने साथ ये सब होने की वजह से बॉब क्रैमनर ने इसके ऊपर किताब लिखी, द डैमन ऑफ ब्राउन्सविले रोड। और इसके बाद से ही यहाँ उन्होंने कोर्ट में भी एक और पेटिशन लगाया कि यहाँ रडार सिस्टम जो स्कैन करते हैं, सरकारी जो स्कैनर्स होते हैं, उनको भेजो और यहाँ पता लगाओ कि बैकयार्ड में तो अभी कुछ नहीं बचा। खैर, उस अर्जी को पूरा होने में थोड़ा सा टाइम लगा और 2010 की स्टार्टिंग में यहाँ वो आए और उस ओक ट्री के साइड में उन्होंने स्कैनिंग करी और उनको पता चला कि इसके नीचे 4 कंकाल दबे हुए हैं। और फाइनली यहाँ सरकार द्वारा उस जगह को खोदा गया और उसके अंदर से 4 कंकालों को खोद कर बाहर निकाला गया और जस्ट वापस ले जाकर उन्हें कब्रिस्तान में कहीं दफना दिया। ये नहीं पता आज वो कहाँ दफनाए गए हैं और ये भी नहीं पता कि वो आखिर कंकाल थे किसके। ये सच्ची कहानी थी 3406 नाम के उस घर की, जो तकरीबन 17 सालों तक एक परिवार को इतना डराता रहा, इतनी चोट पहुँचाता रहा कि उनका वहाँ जीना हराम हो चुका था। सोच कर देखिए यहाँ इस घर के अंदर क्या हुआ था। ये कोई बनी बनाई घटना नहीं है, इसके प्रूफ जो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे मैंने सोर्स लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर जरूर चेक कर सकते हैं। साथ ही मैं आज एक हॉन्टेड रील इंस्टाग्राम पर भी डालने वाला हूँ, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी यही, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट स्पाई लव को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।